कुनाखा से पारो तक दोचुला पास और थिम्पू होते हुए घुमावदार पहाड़ी सड़क पर ड्राइविंग करते हुए पारो तक आपकी आंखें इस हिमालयी राज्य के अद्भुत परिदृश्यों से मोहित हो जाएंगी। हम लोग कुनाखा से थिम्पू होते हुए पारो जा रहे हैं और रास्ते में ये रुके हैं हम लोग संगम पर। संगम और इधर देखिए आप, ये जो सामने से नदी आ रही है उसका नाम है वांगचू, और इधर से जो नदी आ रही है वो पारो से आ रही है वो पोचू, और दोनों यहाँ मिलके संगम बनाती हैं। यहाँ का ये संगम कहलाता है। ये फिर ये नदी आगे जाकर के नीचे प्लेन में पहुंच के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ये जो सामने है स्तूपा दिख रहे हैं वो जो लेफ्ट साइड है सफ़ेद, और छोटे छोटे वो है नेपाली, और बीच में जो येलो कलर है वो तिब्बतियन है, और राइट साइड में वो भूटानी स्तूपा है। यह एयरपोर्ट पारो का मुख्य आकर्षण है, इसे देखना जरूरी है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पारो एयरपोर्ट का रनवे। यह दुनिया का सबसे खतरनाक लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट है। रनवे लगभग 1200 मीटर का है और केवल 8 लाइसेंस, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि केवल 8 पायलट्स हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है यहाँ लैंडिंग कराने के लिए। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हम सोच रहे हैं कि बन जाए संगे, हमारे जो है गाइड वही बना रहे हैं वीडियो। पूरा परिवार जो है या हम भी पहन रहे हैं। प्यारी सी लग रही है परु, ये 300 रुपए है किराया है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे फोटो खिंचवाने के लिए। परु परु हम भी कौन कर दो ये बोल रहा है, कुछ करते करो यार, ये बना का मजा आ गया, मजा आ गया। दिस इज नाइस राइट परु, सबसे कैसे दोस्तों हम लोग इस समय पारो फोर्ट के सामने खड़े हैं। ये बगल में वांगचू नदी बह रही है और पारो हम लोग अभी पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हमने एयरपोर्ट देखा, रनवे जो दुनिया के सबसे खतरनाक है। अब इसी के ऊपर ठीक म्यूजियम है, वो म्यूजियम देखने जाएंगे। आज पारो मार्केट भी घूमेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो है हमारा कल। कल कल हम जाएंगे एक ऐसी जगह जो दुनिया में मशहूर है, दुनिया में मशहूर है, उसका नाम है टाइगर्स नेस्ट। ये हम मेरे पीछे ये पोर्ट है पारो, जिसे रिपुंजय के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास अजीब सा है कि इसके इस चट्टान के नीचे एक राक्षस रहा करता था, तो एक मॉन्क आया किंग डिंगलिंग, उसने जो है कुछ मंत्र पढ़ा जिससे वो पत्थर फट गया और वो राक्षस खत्म हो गया। उसके बाद उसने यहाँ पे एक छोटी सी नींव रख करके 5 मंजिला मंदिर बनाया। बाद में वो चलता रहा, फिर 17 शताब्दी में इसको जब यूनिफाइड भूटान बना, तो वो यूनिफाइड भूटान जब बना तो 17 सेंचुरी में
इसको जो है नींव रखी गई जो 40 साल में बनके ये फोर्ट तैयार हो गया। हमने पारो में अभी अपने होटल में चेक इन किया है और ये बाथरूम है, 5000 रुपये पर नाइट का ये रूम है। ऑफ सीजन है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा खुली हवा में सिटी से बाहर हम लोग रुकना चाह रहे थे। ये बेड दिया इन्होंने, इधर भी पूरा व्यू है और ये व्यू है, बिल्कुल पहाड़ी और विलेज का व्यू आ रहा है।